गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में बीते दिन हुए कत्ल का खुलासा करते हुए साहिबाबाद थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी युवक साहिबाबाद पसौड़ इलाके का रहने वाला है, जिसने तकरीबन 1.25 लाख की अवज में अपने ही दोस्त का कत्ल करके उसको बॉडी को तुलसी निकेतन इलाके में ठिकाने लगा दिया था। थाना साहिबाबाद क्षेत्र अंतर्गत पसौंडा के पास एक पसौंडा में रहने वाले व्यक्ति की बॉडी बरामद हुई थी 6 मई को, और मुकदमा लिखवाया गया था 302 का। इसमें पुलिस ने सक्रियता पूर्वक उसकी शिनाख्त की और उसके बाद फिर इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, आज जेल भेजा जा रहा है। इसका जो आरोपी है, उसका जो मृतक व्यक्ति है, उससे पैसे के लेन देन का विवाद था और कुछ पैसे इसने उधार ले रखे थे उससे, और मूलधन से ज्यादा ही उसको वापस कर चुका था और ज्यादा उसके बाद देने की स्थिति में नहीं था। साहिबाबाद पुलिस ने एक हत्यारे को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम शाहरुख बताया जा रहा है। इस हत्यारे ने ब्याज की रकम न लौटाने की एवज में अपने ही दोस्त की हत्या कर डाली। हत्या भी बड़े ही संगीन तरीके से, उसने घर की चादर का इस्तेमाल किया और फिर गला घोट कर अपने ही दोस्त की हत्या कर डाली। बताया जा रहा है कि 1.25 लाख के लेन देन में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। फिलहाल हत्यारे शाहरुख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। गाजियाबाद से जितेंद्र भाटी, लाइव 24।